पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पाकिस्तान दूसरा मैच जिस अंदाज से हारा वो आपके सामने है। तीसरे T20 में अब हम क्या कर सकते हैं और मेरे जहन में स्पेशली जो सवाल आते हैं मैं और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुलरऊफ के सामने रखूंगा। रऊफ ऑब्वियसली रिजवान या बाबर की अगर हम पर्सनल जो जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन मिड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम हैं कोई एक प्लेयर भी ना चलना। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर शर्जील फखर मौजूद हैं स्क्वाड में लेकिन वो बतौर ओपनर खेल नहीं रहे और जो ऑब्वियसली रिजवान एक जमाने में मिडल ऑर्डर में खेलते रहे हैं, तो क्या हमें अब एक सख्त फैसला करना होगा आउट ऑफ बॉक्स कि हम रिजवान फखर को कहीं नीचे ले आए और रिजवान और बाबर को और हम फखर को और शर्जील को कहीं ऊपर ले जाएं। आपको क्या लगता है कि क्या इसका सलूशन है जो बैटिंग का हमारा कंटिन्यूस फेलियर है? देखिए मेरा ख्याल है कि इसके काफी ज्यादा बातें हो चुकी है और दूसरा तीसरा साल जा रहा है कि जो हमारे जितने भी इन्होंने ट्राई किए नए बैट्समैन कोई भी अभी तक सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं स्पेशली बैटिंग में और मिडिल ऑर्डर में और ओपनिंग में। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी को ओबलाइज नहीं करना, हमें पाकिस्तान एक नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के मुफाद में टीम को बनाना है। अगर तो आपने वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको प्रॉपर जितने भी ये ओपनिंग के स्टार्ट हैं या मिडिल ऑर्डर है या लेट मिडिल ऑर्डर बने आपको उसी लेवल पर और प्रॉपर आपको जो लड़के हैं वो बैठना है ना वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब हम इस टूर में और साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा कि 5 या 6 ओपनर साउथ अफ्रीका जा चुके हैं और वहां पर हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में आ रहा है और ये पिछले कई अरसे से आ रहा है। तो जब तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाएगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी भी अच्छी टीम के खिलाफ मैच जीतना। जिम्बाब्वे ने आपको याद है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी पाकिस्तान को परेशानी से दोचार किया था क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर है और साउथ अफ्रीकन सीरीज जीत गए क्योंकि उनकी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस थी और उनकी जो टीम बिल्कुल नए लड़कों पर मुश्तमिल थी। अभी थोड़ी सी टफ अपोनेंट आई है जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइन तो उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो रूफ अब सवाल ये पैदा होता है कि ओपनिंग का जो प्रॉब्लम है फखर और शर्जील हमारे पास स्क्वाड में मौजूद हैं, दोनों की अटैकिंग एबिलिटीज को हम जानते हैं, परफॉर्मर भी हैं, शर्जील अपने जमाने में अच्छा खेल चुके हैं, कमबैक भी उनको हमने करा लिया है, दोनों स्क्वाड में मौजूद हैं बट बतौर ओपनर नहीं खेल रहे। अब से पहले तक तो लग रहा था शायद जैसे ठीक है अगर रिजवान और बाबर खेलते रहे पर अब लग ये रहा है कि शायद जिसको जिसकी प्लेस पे खिलाए गए तो शायद टीम के लिए अच्छा होगा। बाबर और रिजवान के रिकॉर्ड्स के लिए तो सब अच्छा है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है, उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता, बट टीम की खातिर आपको लगता है कि हमें शर्जील और फखर को दोबारा इस स्लॉट पे लाना पड़ेगा ताकि वो जो एक प्रॉपर ओपनर और वो जो एक कॉम्बिनेशन है मिडल ऑर्डर का बाबर या रिजवान को नीचे लाके और हफीज के साथ वो बन सके? चूंकि अगर हम नीचे देखें रिजवान और बाबर के बाद तो ऐसा लगता है बैटिंग खत्म हो जाती है हमारी। देखिए असल में ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब आप फखर को या शर्जील को लेकर आएंगे ओपन पे और उन पे मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि शर्जील 2-3 साल के बाद उसकी वापसी है और ओवरवेट है और उस फॉर्म में भी नहीं है, उसकी फील्डिंग का म्याल भी वो नहीं है, जबकि फखर जमान भी पीछे काफी अर्सा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं और अभी 1-2 सेंचुरी उन्होंने जरूर की है मगर अभी उनको स्ट्रेट अवे आप इस तरह नहीं चांस दे सकते कि एक बड़े इवेंट से पहले। अब जहां तक बात है रिजवान की या बाबर आजम की तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इनको आप बहुत लेट 5वें या 6वें नंबर पर लेकर जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल किरदार अदा कर सकेंगे क्योंकि जब अगर किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ आप खेलेंगे तो वो 180+ का आपको टारगेट देगी और 180+ के टारगेट में या 10 या 12 रन की एवरेज अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ या अच्छे स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि रिजवान या आपको बाबर आजम लेट ऑर्डर पर आकर मैच जितवा दे। तो रोहित फिर क्या हम इनको एडजस्ट करने के लिए तो उनको ऊपर खिला रहे हैं पर टीम मतलब उस टीम का हर्ज नहीं हो रहा? आप कैसे देखते हैं, मतलब ये दोनों तो सेट हो गए, ओपनिंग पेयर भी सेट हो गया बट टीम कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पा रहा ना, इसका क्या करें फिर मिडिल ऑर्डर में क्या करेंगे हम? देखिए जो 10 से 1 बंदू की कोचिंग की लाट इन्होंने साथ लगाई हुई थी तो मेरा ख्याल है कि जो बैड कोच या मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है कि आप अच्छे तरीके से टीम को मैनेज करें, आपको तमाम
फैसिलिटीज दी गई हैं और आपको हर तरीके से जो एनवायरनमेंट है फ्राहम किया गया, मगर इसके बावजूद आप मैनेज करने में नाकाम है। आप अभी तक प्लेयर्स को ऑब्लाइज कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के मुफाद में अभी तक आपकी कोई पॉलिसी देखने में नहीं आई। तो इसमें आपको लाना पड़ेगा जितने भी आपके जो मिडिल ऑर्डर में अच्छे आपके बैट्समैन है। अभी तो डोमेस्टिक में भी रहा, क्योंकि आपके जो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है उसमें कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं आ रहा कि वो आकर 5वें या 6ठे या 7वें नंबर पर फुलफिल करे। आपने जितने भी 6 या 7 एक्सपीरियंस किए हैं पास्ट में अभी, वो सब के सब नाकाम रहे। तो अब इस आगे जाकर ये क्या, मेरा ख्याल है कि शुएब मकसूद अब रह गए हैं, बाकी तजर्बा करने वाले अब आसफ अली को भी शामिल करके देख चुके हैं, खुशदिल शाह को भी देख लिया है, इफ्तिखार को भी देख चुके हैं, मैं तो अभी तक उनमें से कोई भी परफॉर्म करने में नाकाम रहा है। तो अब देखें कि आगे किसको ट्राई करते हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो रऊफ, जो आसिफ अली हैं, हैदर अली हैं, दानिश अदीब का डेब्यू कराया है, या अगर हम देखते हैं फहीम अशरफ हैं, तो फिर इन सब का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? किस या इनकी जो परफॉर्मेंस है, किसी की भी कंसिस्टेंसी नहीं है, मिड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोहम्मद हफीज भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इन सब की परफॉर्मेंस पे क्या कहना है फिर आपका? देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, जब तक आपकी इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस पे रहेगी आपकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी। आपने काफ़ी ज़्यादा ओबलाइज कर लिया, काफ़ी ज़्यादा चांस दे दिए हैं लड़कों को, मगर अभी तक वो पाकिस्तान के लिए मैच विनर साबित नहीं हुआ। मुझे इसके ज़्यादा डाउट आपकी जो स्पिन बॉलिंग का शोबा उस पर है, क्योंकि जो जो स्पिनर खेल रहे हैं ये ठीक है, इन्होंने साफ सफीका की नई टीम के खिलाफ मैच वगैरह जितवा दी है आपको, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी अच्छी टीम जिस तरह बांग्लादेश की है या अफगानिस्तान है, इसके अलावा श्रीलंकन है, इंडियन टीम है या इंग्लैंड की टीम को मुश्किल से दो चार कर सकेंगे, क्योंकि इनका वो लेवल ही नहीं है। और ये तो हमें ये भी नहीं पता कि ये बॉलर है या बैट्समैन है, तो ये भी चीज़ अभी आगे जाके काफ़ी आपको जो वर्ल्ड कप आने वाला उसमें ट्रबल पैदा करेगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि जिन पर वर्क होने वाला। रोफ, अब आखिरी T20 बाकी है, इसके 11 पे अगर मैं आपकी राय पूछूं, आपके ख्याल में क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए, और 11 अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्या 11 होगी? तीसरा T20 जीतना जरूरी है, सीरीज को जीतना है, तो क्या कहेंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी ज़्यादा कोई चेंज वगैरह करेंगे, जिस तरह के आपने कहा कि फखर या शर्जील को देखने अगर ओपन शुरुआत कर देखते हैं, और उसमें ये भी ट्राई आउट हो जाएगा कि जो आपके रिजवान या बाबर आजम है, उसके बाद मोहम्मद हफीज, अगर नंबर 3 पे बाबर आजम आते हैं, नंबर 4 पे हफीज आते हैं, नंबर 5 पर रिजवान आएंगे, और 6 पर आपके फहीम अशरफ या दानिश अजीज वगैरह आएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करने की अहलियत रखते हैं इन नंबरों पर, तो ये आपका बड़ा एक आइडियल मेरा ख्याल है कि एक सिचुएशन बन जाएगी वर्ल्ड कप से पहले, और आपको भी मजीद थोड़ा सा चेक हो जाएगा कि क्या ये लड़के पाकिस्तान के लिए आगे चलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं या नहीं। उसके अलावा जो बॉलिंग लाइन है उसमें आपको जो फुल स्ट्रेंथ है, मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी को भी दोबारा लेकर आएंगे, और जो हारिस रऊफ का स्टैन है इनके साथ ही जाएंगे दोबारा। तो रऊफ, लगता है 2-1 पाकिस्तान के फेवर में हो जाएगा? देखिए मैं तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्वाइट इजीली जिम्बाब्वे को शिकस्त दे देगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जिम्बाब्वे की टीम को इतनी बड़ी टीम है कि उसके खिलाफ हमें इतना ज़्यादा परेशान होना पड़े, और ये खाम खा में इन्होंने अपने आप असाब पर पता नहीं किस लिए सवार किया हुआ है। ये पहला मैच भी क्वाइट इजीली वो जिम्बाब्वे की टीम जीत सकती थी अगर वो 5 या 6 जो दरमियान में मिडल ऑर्डर था वो कोलैप्स ना करते और ब्लंडर ना करते। तो अब मेरी समझ से बाहर है कि जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ इनको क्या प्रेशर है, या तो इनको मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट की जानव से प्रेशर का शुक्र दिया जा चुका है, मैचेस भी काफ़ी दे दिए जा चुके हैं, PSL के भी 5-5 6-6 एडिशन ये लोग खेल चुके हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग भी खेल रहे हैं, और उसके बावजूद भी मेरी समझ से बाहर है कि इस वजह से ये जिम्बाब्वे सेंटर प्रेशर। जस्ट इन केस अगर खुदा ना खास्ता 2-1 हार गए तो फिर क्या होगा? मतलब हार की सूरत में आप क्या समझते हैं, ये हार अब एक तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ी, दूसरी बर्दाश्त करनी पड़ गई तो? तो फिर मेरा ख्याल है कि एक और हार आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और जो मैनेजमेंट है जो थोड़ा सा स्ट्रांग फुटेड पर आए थे साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत कर, और अपनी थोड़ी सी मनमानी उन्होंने शुरू कर दी थी, और थोड़ा सा चीफ सेलेक्टर को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएंगे, और फिर दोबारा हाँ, ये मुझे याद है रऊफ के, उस शुएब कंधों मलिक ने पर। जो शुएब मलिक ने ट्वीट किया कि बाबर आजम को कोई इख्तियारात नहीं है, और उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारा कर दिया मिस्बा की जानिब के वो तमाम चीज़ों को डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये जो खबरें इस तरह की, शुएब मलिक जो है वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो ये ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो मौजूद है। क्या बाबर आपको बेबस दिखाई दे रहे हैं? क्या क्या ऐसा ही लग रहा है आपको कि मिस्बा सारे डिसीजन ले रहे हैं और इसी चीज़ का नुकसान हो रहा है? बाबर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है? देखिए आपको भी नॉलेज तो है पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और पास्ट में भी जो रही है, कि जितने भी सीनियर
तो पाकिस्तान टीम को स्पेशली लीड कर चुके हैं पास्ट में, या पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा सर्व कर चुके हैं, जब उनको ये कोचिंग की जिम्मेदारी दी जाती है या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो कभी भी वो काम नहीं करते जिस काम के लिए उनको भर्ती किया जाता है। वो दूसरे कामों में मुदाखलत शुरू कर देते हैं, जिसका डेफिनेट जो रिजल्ट निकलता है वो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस और माइनस की सूरत में सामने आती है और शिकस्तों की सूरत में सामने आती है। तो ये हमेशा से हमारी एक रीत रही है और मेरा ख्याल है कि अभी तक उसी तरह चल रही है, और हमें एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है कि फॉरनर कोच की जानब देखना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है फॉरनर कोच चलाने की, वो भी हमारा अपना फेलियर है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट का अमला साथ लगाया हुआ है टीम के साथ, इनमें से अक्सर को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी पिछले 15-20 साल से अकेडमी में कि आप कोच तो अच्छे कोचेस तैयार करें जो कि आगे जाकर पाकिस्तान को सर्व कर सके, मगर बजाय कि वो पाकिस्तान को कोई अच्छे कोचेस तैयार करके देने के या कोई एजुकेटेड या पढ़े लिखे लोगों को लाने के, वो अपने आप को ही ओबलाइज करते रहे। अब वो कभी वो रीजन में चले जाते हैं, कभी अकेडमी में आके कोचिंग ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, कभी पाकिस्तान टीम के साथ आके थ्रो डाउन शुरू कर देते हैं, कभी वो कंप्यूटर का काम शुरू कर देते हैं, कभी लैपटॉप पे वो दूसरे काम शुरू कर देते हैं, और कभी वो होटलिंग के काम शुरू कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से कभी कोई बेहतरी आ सकती है। तो ये जो इंटरनेशनल कोच है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं मिलने वाला, तो वर्ल्ड कप तक तो यही बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो जैसे भी है बर्दाश्त से मरा ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ख्याल है जल्दी हमें वर्ल्ड कप से पहले अगर इनकेस कोई चॉइस तो नहीं बनेगी फिर। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई भी कोच अवेलेबल होगा या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि डूबती कश्ती में कोई भी पांव रखने को तैयार होगा, और उसको नजर आ रहा है कि आगे वर्ल्ड कप में क्या सिचुएशन होगी, और वो डेफिनेट वो अपना जो उसका अपना जो परफॉर्मा वो भी नहीं साफ करना चाहेगा, तो इन्हीं से कंटिन्यू करना चाहेगा। मगर इनको थोड़ा सा इनको अब असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गवर्निंग बोर्ड में ऐसे लोग भी मौजूद नहीं है, अगर इलेक्टेड लोग होते प्रॉपरली वो रीजन से इलेक्ट होकर आए होते तो उनसे क्वेश्चन करते कि आपने किस प्लेयर को किस परफॉर्मेंस पर टीम में सेलेक्ट किया, इसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया था, इसको किस वजह से टीम में लिया और शिकस्तों की क्या वजह, मगर यहाँ पर तो वो सारे बाहर से बैग उठाकर आए हुए हैं और वो तैयारी में कभी बाहर जा जाते हैं कभी अंदर चले जाते हैं, तो उनसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और उम्मीद करते हैं कि भारत, जैसे रोहित ने कहा कि समझ कुछ नहीं आ रही, मेरा भी दिमाग काम करना छोड़ चुका है इस पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के मसले पर, तो सोचा कि फैंस और जो हमारे दिनों में सवाल आते हैं वो हम रोहित से पूछे। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं कि तीसरे मैच में क्या होता है। जिन लोगों ने वीडियो देखी अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और आगाह कीजिएगा आपकी क्या ओपिनियन है इस सारे जो सवाल हैं और जो जवाब रोहित ने दिए उन पर भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।